कि किसी भी बिजनेस का पर्पस क्या है. एवरीबॉडी, व्हाट इज पर्पस ऑफ अ बिजनेस? टू अर्न प्रॉफिट एंड सेटिस्फेक्शन आल्सो. यस, व्हाट एल्स? वैल्यू क्रिएशन. वैल्यू क्रिएशन ऑफ कोर्स, वेरी गुड. व्हाट एल्स? एम्प्लॉयमेंट. ऑफ कोर्स. व्हाट एल्स? क्रिएटिंग वेल्थ. ऑफ कोर्स. व्हाट एल्स? क्या है बिजनेस का पर्पस? फैमिली चला रही इसलिए चलाने का. ये आपका ड्राइवर हो गया बिजनेस चलाने का. Giving services. Giving services. Problem solving. Problem solving, of course. Problem solving. What else? क्या है, क्या है business का purpose? देखो, हम सब लोग students भी और जो already industry में हैं वो सब एक ना एक दिन इस चीज को face करने वाले हैं कि business का purpose क्या है. और मैं आपको बताऊं कि अगर आपको लगता है कि purpose of a business is to make profit, then you are completely wrong. अगर आपको लगता है कि किसी भी बिजनेस का पर्पस प्रॉफिट कमाना है तो यू आर कंप्लीटली रॉन्ग. क्यों बोलता हूं मैं ऐसा? मैं ऐसा इसलिए बोलता हूं कि अगर किसी बिजनेस का पर्पस सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता तो आप टाटा ग्रुप को दुनिया में नहीं देखते. क्यों नहीं देखते? क्योंकि टाटा ग्रुप के जो फाउंडर हैं जमशेद जी टाटा, उन्होंने बिजनेस शुरू करने के कुछ ही सालों में इतना पैसा कमा लिया कि वो कहते हैं कि बिजनेस का पर्पस है पैसा कमाना. मैंने पैसा कमा लिया, पर्पस पूरा हुआ, लेट मी क्लोज द बिजनेस. अगर बिजनेस का पर्पस होता टू प्रॉफिट कमाना, देन यू विल नॉट सी अ कंपनी कॉल्ड एप्पल. क्यों? एप्पल के जो फाउंडर है सार्जी बिन एंड लैरी पेज, उन्होंने पहले ही 2-3 सालों में एप्पल को स्टार्ट, स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉज़नियाक वर द फाउंडर्स ऑफ एप्पल, उन्होंने इतना प्रॉफिट कमा लिया. दे वुड हैव सेड कि पर्पस ऑफ अ बिजनेस इज टू मेक प्रॉफिट, वी हैव अर्नड प्रॉफिट, पर्पस इज अचीव, लेट अस क्लोज द बिजनेस. और अगर किसी बिजनेस का पर्पस प्रॉफिट ही कमाना होता तो आप एक ग्रुप का नाम नहीं सुनते थे और जिसका नाम है आर्सलॉर मित्तल. And why? Because Lakshmi Nivas Mittal, within very first few years of his operations, earned enough profit. उन्होंने इतना profit कमा लिया और वो कहते थे the purpose of a business is to make profit. मैंने profit कमा लिया, let me close the business. So please remember, purpose of a business is not to create profit. And why do I say this? And I say this because making profit in business is compulsory. Making profit in business is mandatory. Making profit in business is not a matter of choice. Making profit in a business is not a matter of option. क्या मतलब है कहने का? कहने का मतलब यह है कि अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है. If you are in the business, you better earn profit. क्यों? If you are in business and you are not making profit, please remember, आप अपने आप को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आप पूरे देश की इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. And that is why, if you are in business, then you have to make profit. And if you are not able to make profit in a business, least that you can do is to hand that business over to someone who can make profit out of it. So please remember, purpose of a business is not to make profit, because profit you have to earn. Profit kya hai? Earning profit is like eating food. Profit kamana is like eating food. Jindagi ka maksad food khana nahi hai. Yes or no? Jindagi ka maksad kuch aur hai. Lekin food to humko khana hi खाना है. एंड लाइकवाइज बिजनेस ऑफ पर्पस ऑफ अ बिजनेस इज नॉट टू मेक प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट तो हमको कमाना ही कमाना है. देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ बिजनेस? गिव बैक टू द सोसाइटी. टू कैटर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी. यस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ बिजनेस? एंड प्लीज रिमेंबर, पर्पस ऑफ अ बिजनेस इज वेरी सिंपल, एंड दैट इज टू क्रिएट वैल्यू टू एवरीबॉडी. टू क्रिएट वैल्यू पूरी दुनिया में. डजंट रियली मैटर हिंदुस्तान की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, रशिया की बात करें, एशिया की बात करें, पूरी दुनिया में अगर कोई बिजनेस है तो उनका एक ही मकसद है और वो मकसद है टू क्रिएट वैल्यू.
और अब सवाल ये है कि क्रिएट वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू क्रिएशन का मतलब है टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव टुडे देन व्हाट इट वाज यस्टरडे, दैट इज वैल्यू क्रिएशन। और मैं आपको बताऊं कि आज पूरी दुनिया में सबका फोकस इसी चीज के ऊपर है। यूएन की बात करें तो उन्होंने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं, राइट? अगर आज पूरी दुनिया में कंपनीज आर टॉकिंग अबाउट थ्री ट्रिपल बॉटम लाइन, एंड व्हाट इज ट्रिपल बॉटम लाइन? ट्रिपल बॉटम लाइन इज पीपल प्रॉफिट एंड प्लैनेट। आर यू विद मी एवरीबॉडी, राइट? सो ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब क्या है? ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब है कि अ बिजनेस हैज टू टेक केयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ कोर्स, इट हैज टू टेक केयर ऑफ द पीपल एज वेल, एंड इट आल्सो हैज टू टेक केयर ऑफ प्लैनेट। प्लीज रिमेंबर, अगर प्लैनेट है तो हम हैं, और अगर प्लैनेट नहीं है तो हम भी नहीं है। देखिए जिंदगी में हम वी कैन हैव अ प्लान बी, बट रिमेंबर वी डू नॉट हैव अ प्लैनेट बी, राइट? एंड दैट इज व्हाई द पर्पस ऑफ अ बिजनेस इज टू क्रिएट वैल्यू, एंड दैट इज टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग संजय घोड़ाभट जी को और उनकी टीम को जोरदार ताली देकर उनका अभिनंदन करें। और ये किस लिए? बिकॉज थ्रू घोड़ाभट यूनिवर्सिटी, संजय घोड़ाभट यूनिवर्सिटी, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर स्प्रेडिंग एजुकेशन, एंड बाय स्प्रेडिंग एजुकेशन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव टुडे देन व्हाट इट वाज यस्टरडे। हैविंग अंडरस्टूड दिस, अब ये हमने समझ लिया कि बिजनेस का पर्पस क्या है, वो है क्रिएट वैल्यू। पर इतना ही सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमको इस प्रोग्राम से कुछ लेके जाना है। तो क्या लेके जाना है? हमको बहुत सारे सवालों के आंसर समझ के जाना है। तो पर्पस क्या है बिजनेस का? पर्पस ऑफ अ बिजनेस इज टू क्रिएट वैल्यू, और आई कैन से वैल्यू क्रिएशन। अब मेरा आप सभी से सवाल है, और याद रखिए जरूरी नहीं है कि आंसर आपके पास में रेडी हो। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि आप सवाल के बारे में पूछें, सोचें, और जब आप सवाल के बारे में सोचेंगे तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली आएगा। तो आप मुझे बताइए कि किसी भी बिजनेस को अगर वैल्यू क्रिएट करनी है तो कौन सी दो चीजें लगेगी? विच आर दी टू थिंग्स, टू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बिजनेस को लगेंगी फॉर क्रिएटिंग वैल्यू? आइडिया, रिसोर्सेस, गुड्स एंड सर्विसेज, मैन मशीन, यस ऑफ कोर्स, विजन, व्हाट एल्स? आइडिया, आइडिया, एटीट्यूड, एटीट्यूड, यस ऑफ कोर्स, एटीट्यूड, व्हाट एल्स? ट्रस्ट, यस ऑफ कोर्स, व्हाट? फाइनेंस, यस ऑफ कोर्स, फाइनेंस, व्हाट एल्स? प्लानिंग, ऑफ कोर्स प्लानिंग, नो डाउट अबाउट इट, व्हाट एल्स? बिहेवियर, ऑफ कोर्स बिहेवियर, व्हाट एल्स? या हार्ड वर्क, प्लीज जॉइन योर हैंड्स एंड गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए किसी भी बिजनेस को दुनिया में वैल्यू क्रिएट करनी है तो उसकी उसको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, और वो दो चीजें बिजनेस में कौन सी हैं? वो दो चीजें हैं, नंबर वन इज प्रॉफिट, नंबर वन इज प्रॉफिट। यस और नो? अगर आपका बिजनेस है प्रॉफिट नहीं कर रहा है तो आप वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे? एंड द आंसर इज नो, ऑफ कोर्स। यू कैन से लाउडर, द आंसर इज नो, ऑफ कोर्स। सो द फर्स्ट थिंग that we need in the business to create value is to have profit. And number two, what we need is? Ethics. Ethics. And number two, what we need in the business is growth. So please remember, duniya ka koi sa bhi business ho, kuch farak nahi padta hai, koi si bhi industry ho, kuch farak nahi padta hai, कोई सा भी प्रोडक्ट हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अगर किसी बिजनेस को वैल्यू क्रिएट करनी है जो कि उसका पर्पज है, उसके लिए इस बिजनेस को दो चीजें चाहिए। नंबर वन इज एवरीबॉडी, नंबर वन इज सेट लाउडर, नंबर वन इज एंड नंबर टू इज ग्रोथ। अब ये अगर आपके बिजनेस में नहीं है तो आपका बिजनेस वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाएगा। जब देखिए आप प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन आप ग्रो नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा आपके बिजनेस का? आपका बिजनेस स्टैग्नेट हो जाएगा, इजंट इट, राइट? और इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट भी कमाना है साथ साथ ग्रोथ भी करना है। तो अब सवाल ये है कि ये दो चीजों के लिए कौन सी पांच स्ट्रेटजी हैं जो कि आप डिप्लॉय करेंगे?
What are the five things? And we can focus one by one. तो अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो प्रॉफिट के लिए आपको कौन सी तीन स्ट्रेटेजीज के ऊपर फोकस करना है? And can someone tell me which are the three strategies जो कोई किसी भी बिजनेस में अगर मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है तो कौन सी तीन चीजें हैं जो कि मुझे करने की जरूरत है? एवरीवन, इनोवेशन, यस ऑफ कोर्स, क्रिएटिव आइडिया, ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, या सर्विस, ऑफ कोर्स, फीडबैक, यस, क्वालिटी, ऑफ कोर्स, यस, क्वालिटी, यस ऑफ कोर्स, व्हाट एल्स, सर्च मार्केट, ऑफ कोर्स, व्हाट एल्स, मोर सेल्स, वेरी गुड, व्हाट एल्स, Cost accounting, of course, very good. What else? And please, once again, give a big round of applause to everyone. Very good. Cost cutting, of course, very good. Cost cutting. Give them a big round of applause. Sabko zordaar ekdam. Nahi hone wala. Kuch hone wala nahi hai. Abhi dekhiye, ek cheez samajh ke lijiye. Aapko do char secret, bahut sari secrets bata ke jaane wala hu. Ek secret samajh ke lijiye. आपको मालूम है कि बिजनेस में बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है. कंप्यूटर डेप्रिशिएट होता है, यस और नो? बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है, यस और नो? प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट होती है, यस और नो? लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती. कभी आपने सोचा कि लैंड क्यों डेप्रिशिएट नहीं होती? इसका प्रोडक्शन लिमिटेशन है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन है. रिमेंबर, लैंड डज नॉट डेप्रिशिएट. यू नो व्हाई? बिकॉज लैंड एप्रिशिएट्स. आर यू विद मी? यस. समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर लैंड की वैल्यू क्यों बढ़ती है? लैंड की वैल्यू बढ़ती है क्योंकि लैंड एप्रिशिएट होती है. और अगर आप सबको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको क्या करना होगा? एप्रिशिएट करना होगा. और आप एप्रिशिएट करेंगे ऐसे ताली बजा के, ऐसे करके. मेरा मकसद है कि ये प्रोग्राम से आपके बिजनेस की तो वैल्यू बढ़े ही बढ़े, आपकी खुद की भी वैल्यू बढ़े. और थोड़ी देर में आपको टेक्निक भी बताऊंगा कि ताली कैसे बजानी चाहिए और ताली बजाने के क्या क्या फायदे हैं. सो प्रॉफिट अगर आपको बढ़ाना है तो प्रॉफिट बढ़ाने के तीन स्ट्रेटेजीज है. नंबर वन, सस्टेन्ड एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस. क्या मतलब है कहने का? कहने का मतलब यह है कि मारुति को अगर वैल्यू के वैल्यू क्रिएट करना है, मारुति को अगर अपने प्रॉफिट बढ़ाने हैं, तो सबसे पहले मारुति ने क्या करना है? सबसे पहले मारुति ने यह पक्का करना है कि जितना आज कर रहे हैं कम से कम उतना आगे भी वो ये है कि आपको अपने बिजनेस में पक्का करना है सस्टेन्ड एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस. जितना आज कर रहा हूं उतना तो मुझे करना ही करना है. That's number one. Number two, increase रेवेन्यू. सेल्स बढ़ाइए. वॉट एवर यू कैन डू अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, वॉट एवर यू कैन डू करिए. सेल्स प्राइस बढ़ाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए, मार्केट मिक्स चेंज करिए, प्राइस मिक्स चेंज करिए, प्रोडक्ट मिक्स चेंज करिए, एक्सपोर्ट में जाइए, प्लांट डालिए. वॉट एवर यू कैन डू फॉर इंक्रीजिंग योर सेल्स, एंड दैट इज द नंबर टू थिंग दैट यू हैव टू डू, एंड दैट इज योर इंक्रीज योर सेल्स. And number three is cut cost. Do everything possible under the sun to reduce your cost. And please remember, I am not suggesting कि reduce cost का मतलब ये है कि manpower कम करो. Definitely not. Increase your productivity. Increase your volume. And that is how you reduce your cost. And please remember, आगे कभी मिलेंगे तो बात करेंगे एक वर्कशॉप में कि it is always possible कि ऐसा हमेशा संभव है कि आप selling price ना बढ़ाएं, आप cost भी ना कम करें, फिर भी आपकी cost कम हो जाए. ऐसा possible है, होता है, और China ने ऐसा ही किया है. That is why China became such a huge economy. So the third thing is cut cost. Do whatever you can do. Second is increase revenue, increase your sales. So these are the three things that you do for
focusing on your profit, for improving your profit. So everybody, number one is? Very good. Number two? And number three? Cut cost. Very good. So ye to ho gaya profit ka. Now we come to the second part, and that is the growth. That is the growth. So what do you do for growth? दुनिया में जितनी भी कंपनियां हैं, अडानी हो, अंबानी हो, मित्तल हो, बजाज हो, जितने भी ग्रुप हैं दुनिया में, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, सभी का एक ही फोकस है, ग्रोथ 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 ग्रोथ। और ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ होती है, दो तरह के प्रोजेक्ट्स आपको लेने पड़ते हैं, दो तरह के प्रोजेक्ट, राइट? कौन कौन से वो प्रोजेक्ट है? पहला प्रोजेक्ट है ग्रोथ में, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक ग्रोथ, और organic growth, and second is known as inorganic growth. क्या मतलब है दोनों का? Organic मतलब natural growth, yes of course. Organic growth का मतलब क्या है? Organic growth का मतलब है to grow naturally. Expansion करिए, diversification करिए, debottlenecking करिए, modernization करिए आपके existing plant का, and that is your ऑर्गेनिक ग्रोथ. इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या है? इनऑर्गेनिक ग्रोथ इज बाय एक्वायरिंग कंपनीज, बाय टेकिंग ओवर कंपनीज, डूइंग एक्विजिशंस, एंड दैट इज हाउ यू ग्रो इनऑर्गेनिकली. आपको क्या लगता है कि अडानी, गौतम अडानी जब दुनिया भर में कंपनी एक्वायर करते हैं, क्यों कर रहे हैं? व्हाई इज ही डूइंग इट? ही इज डूइंग इट बिकॉज ही वांट्स टू अचीव द हाईएस्ट ग्रोथ. सो अब सवाल यह है, वी कम टू द मेन पॉइंट नाउ, कि ऑर्गेनिक ग्रोथ हो और इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो, थोड़ी सी और आपकी जानकारी के लिए बता दूं. ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब है टू ग्रो फ्रॉम विद इन. ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब क्या है? एवरीबॉडी टू ग्रो फ्रॉम विद इन. इनऑर्गेनिक ग्रोथ का क्या मतलब है? ग्रो फ्रॉम आउटसाइड. यानी कि यू एक्वायर कंपनी, यू परचेज कंपनी, यहां पर कंपनी खरीदी, वहां कंपनी खरीदी, राइट? एंड दिस इज हाउ यू ग्रो, दैट इज इनऑर्गेनिक ग्रोथ. अब याद रखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप इनऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं या ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं, दोनों जगह में आपको अपना पैसा लगाना है, यस और नो, इजंट इट? अगर आप एक्सपेंशन करेंगे, आप आपकी आपके प्लांट की कैपेसिटी इंप्रूव इंक्रीज करते हैं, तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा. और आप एक बनी बनाई कंपनी खरीदते हैं, जैसे कि गौतम अडानी करते हैं या अंबानी करते हैं या लक्ष्मी निवास मित्तल करते हैं, बनी बनाई कंपनी खरीदते हैं, तो भी उनको पैसा तो लगाना ही पड़ता है. तो अब सवाल ये है कि उनको जो पैसा लगाना पड़ता है, याद रखिए वो छोटा मोटा पैसा नहीं है, इट रन्स इनटू बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो कैसे डिसीजन लेते हैं? हाउ डू यू टेक अ डिसीजन? अगर आपको एक नया प्रोजेक्ट डालना है और उसमें आप समझो 100 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो आपको ये 100 करोड़ प्रोजेक्ट, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कैसे डिसाइड करोगे आप, ऑल ऑफ यू? प्रॉफिटेबिलिटी, यस ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी. Growth, yes, of course. Risk. Market situation. Yes, of course, you will see the market situation. Market survey करेंगे, बिल्कुल करेंगे. और ROI देखेंगे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया. और demand supply देखेंगे, yes. और future देखेंगे, yes. और requirement of the customer. Requirement the customer. और अच्छा, okay. अब मैं बोलता हूँ आपको कि आपने market survey कर लिया, आपने research कर ली, आपने एक्सपर्ट्स को कंसल्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, और सब लोग आपको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट में इसको बहुत जबरदस्त है, आगे आने वाले समय में ये प्रोडक्ट की ग्रोथ भयंकर है, आप बिंदास पैसा डालिए, कोई परवाह नहीं है, राइट? डिमांड वगैरह है, सब डिमांड है, सब कुछ है, कस्टमर भी है. पर सवाल ये है कि वो 100 करोड़ आपको उसमें डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए, ये आप डिसीजन कैसे लेंगे? Opportunity cost, very good. SWOT analysis, okay, very good. Competitive analysis, of course, very good. Sustainability. अगर किसी को इसका फोटो निकालना हो तो प्लीज निकाल लीजिए. Okay, so anybody wants to take a picture of this, please do that.